आपका, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस विषय की जो देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा तो है लेकिन राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे बोरिंग मुद्दे की। ना इसमें हिंदू है ना मुसलमान है, ना जात है ना पात है, ना जाट है ना मुसलमान है तो सिर्फ बेरोजगार। जी, मैं बात बेरोजगारों की कर रहा हूं, बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर रहा हूं जो आज राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि 8 लाख पद खाली आखिरकार नौकरियां कब देगी सरकार। रेलवे की परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़े हैं लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता सब कोई जाट को मना रहा है तो कोई मुसलमान को। राजनीति धर्म और जातियों में बटी हुई दिखाई दे रही है। जाति के आधार पर नेता नाराजगियां दूर कर रहे हैं लेकिन जाति से नाराज नेताओं को जो मनाने की होड़ मची हुई है कि जाति के आधार पर नेता लोगों को मना रहे हैं, व्यक्तियों को मना रहे हैं, लेकिन उन्हें भर्ती की याद क्यों नहीं आती। भर्ती बेरोजगारों की याद क्यों नहीं आती, उनकी नाराजगी की याद क्यों नहीं आती। नौकरी मान रहे, जो नौकरी छात्र मांग रहे हैं, उनकी नाराजगी क्यों नहीं याद आती, उनको कौन मनाएगा। रेलवे की परीक्षाएं और रेलवे की परीक्षार्थियों की नाराजगी है तो फिर वो मुद्दा क्यों नहीं है। जाति और धर्म आखिरकार कब तक रहेगा मुद्दा। बेरोजगारों को मनाने की तैयारी कौन कर रहा है, बेरोजगारी है किसी के पास आधार। रेलवे भर्ती बोर्ड में नियुक्ति का हिसाब अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब किताब को भी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार नियुक्तियों का हिसाब क्यों नहीं देती। बेरोजगारी देश का मुद्दा आखिरकार क्यों नहीं है। क्यों नहीं है बेरोजगारी देश का मुद्दा जब खुद केंद्र सरकार बताती है कि देश में केंद्र के सरकार के भीतर 8,72,000 पद खाली पड़े। आखिरकार सालों साल परीक्षाएं क्यों नहीं होती। क्यों आखिरकार जवानी के सालों साल निकल जाते हैं परीक्षा के इंतजार में और बर्बाद हो जाती है जवानी, इसका जिम्मेदार कौन, कौन पूछेगा हिसाब। क्यों आखिरकार देश के भीतर जाति और धर्म की लड़ाई के हिसाब से मुद्दों का चयन होता है। आखिरकार क्यों और कब तक। चाहे देश की मीडिया हो या फिर राजनीतिक दल, मुद्दों का बंटवारा जाति और धर्म के आधार पर कर लेते हैं लेकिन बेरोजगारों को लेकर जाति और धर्म की बात आखिरकार कब तक। 8 लाख पद खाली होते हैं लेकिन भर्ती के मुद्दे पर कोई सियासी शोर नहीं होता, आखिरकार क्यों और कब तक। गणतंत्र के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र दिखाई देता है छात्रों पर, आखिरकार क्यों और किस लिए। नौकरियां कब दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, क्यों नहीं दी गई, इस पर सवाल नहीं पूछे जाते, आखिरकार क्यों। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मैं चर्चा करूंगा जिसमें मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, आज चर्चा देश के सबसे बोरिंग विषय की होगी, बेरोजगारी की होगी। ना तो इसमें कोई विवादित बयान होंगे, ना नेताओं की बदजुबानी होगी, ना वार होगा ना पलटवार होगा, सिर्फ बेरोजगारों की बात होगी। आखिरकार क्यों और कब तक नहीं बनेगा बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा। क्यों, मैं सीधा रुख करूं हमसे मेहमानों की तरफ। आपको बता दूं आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं
उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे कैप्टन साहब। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, राजनीतिक विशेषक हैं। और साथ ही लोकेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। इस चर्चा की शुरुआत, वैसे तो मैं चाह रहा था कि बीजेपी का पक्ष सामने आए और बीजेपी के पक्ष से ही इस चर्चा की शुरुआत हो। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भदौरिया साहब भी जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे। चुनाव आया तो कैराना याद आया, चुनाव आया तो जाट याद आए, चुनाव आया तो हिंदू और मुसलमान में बांट दिया देश की मीडिया ने, लेकिन उस बेरोजगारों की फौज का जिक्र नहीं हो रहा। कैप्टन साहब, मैं देश के सबसे बोरिंग विषय की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी। जी बोलिए। आपकी इजाजत हो तो इस चर्चा की शुरुआत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपकी नजर में? हमारी नजर में देश का विकास होना चाहिए, देश का राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्रवाद देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए। ये सब मुख्य मुद्दे आम जनता से जुड़े, वो सुरक्षा के होना चाहिए, लाइट बिजली पानी के होना चाहिए, आम जनता की सुरक्षा का होना चाहिए। ये मुद्दे वाले मुद्दे में बेरोजगारी, बेरोजगार विषय आता है बेरोजगारी राष्ट्रवाद वाले में? सर कैप्टन साहब, अगर राष्ट्रवाद नहीं होगा तो फिर देश में आप करेंगे क्या? अगर राष्ट्रवाद नहीं होगा, नहीं आप राष्ट्र बेरोजगारी विषय आता है सर, नहीं सब उसी से जुड़े हुए हैं। आप देश में अराजकता फैलाते, फिर बेरोजगारी को कहां लेके आएंगे? सोचने वाली बात है यार। अगर जहां जिस देश में शांति नहीं होगी, जहां राष्ट्र से प्रेम ही नहीं होगा, तो वहां रोजगार और बेरोजगार कहां से लाएंगे आप? नहीं, मेरे देश की मीडिया इस बात को लेकर चिंतित होती है, जाट नाराज हो गया, मुसलमान नाराज हो गया, लेकिन कोई इस बात को लेकर चिंतित नहीं होता कि बेरोजगार नाराज है उसको भी मना लो। नहीं सर, कैप्टन साहब, इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रवाद में वो बेरोजगार वाला विषय आता कि नहीं आता। मीडिया का अपना अपना व्यू है, मीडिया स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकती है। आप भी स्वतंत्र हो, आप भी कुछ भी कह सकते हो। नहीं, रोजगार, मैं तो सिर्फ बेरोजगारों की बात करता हूँ। मैंने कहा सबसे बोरिंग विषय पर चर्चा कर रहा हूँ मैं, सबसे बोरिंग विषय। अगर होता विषय वो हिंदू को लड़वा दो, मुसलमान को लड़वा दो, जाट को लड़वा दो, मुसलमान को लड़वा दो, तो वो इससे टीआरपी मिलती है सर। वो टीआरपी होती है ना, टीआरपी, जिसमें कईयों के ऊपर टीआरपी चोरी के आरोप लगे, टीआरपी चोर बोला गया कईयों को कि ये टीआरपी चोर है ना सर, तो वो हिंदू और मुसलमान करवाते हैं। हम सबसे बोरिंग विषय बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो प्राथमिकता में है कि नहीं सर बेरोजगारी? बिल्कुल, आप विकास को लेते आइए ना, कि विकास की चर्चा करिए आप, खाली एक बेरोजगारी पर ही तो जाए। आप बिल्कुल उसी पर चर्चा करें, आप बेरोजगारी पर चर्चा करें, विकास पर चर्चा करें। आप सभी मुद्दे लेके आए ना, आप सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ोगे तो फिर कहां से चलेगा? आप सभी पर चर्चा करिए। नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं होती आपको क्या लगता है? एक मिनट लोकेश जी, एक मिनट, क्या लगता है आपको? अब क्योंकि मैं आंकड़े खोलूंगा ना, अभी आंकड़ों पर बात। हां बोलिए, बिल्कुल पूछे आप। नहीं होती आपको क्या लगता है? क्योंकि 2014 मैं तो कहता हूं बहुत होती थी बेरोजगारी पर चर्चा, लेकिन 2014 के बाद बेरोजगारी पर चर्चा ही नहीं होती अब, क्या लगता है आपको? नहीं, हम तो हरदम कहते हैं कि चर्चा होना चाहिए, हम चर्चा से कभी बांटते ही नहीं है, मगर चर्चा करने वाले वहां तो होना चाहिए। कभी चर्चा, कोई विकास में चर्चा नहीं करना चाहता, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोरोना के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, स्वच्छता के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। चर्चा किस पे करेंगे? आपने जो कहा ना कि किसान नाराज है, अरे भाई कहां किसान नाराज है? किसानों की मांगे हमने मान ली, तो किसान नाराज कहां रहे? जो किसानों की मांग थी वो हमने मान ली। चलिए, किसानों पर भी चर्चा करूंगा मैं, लेकिन एक बात, अभिषेक वाजपेयी, आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी देश का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? क्यों उस पर चर्चा नहीं हो रही, बेरोजगारी क्यों नहीं? ये कह रहे जाटों को मना लिया, नेता है जाट नेता, अखबारों की सुर्खियां कि बीजेपी ने जाटों को मना लिया, वो कहते हैं आपने मुसलमानों को टिकट दे दिया। तो ये बेरोजगारी, बेरोजगार युवा जो नाराज है उनको कौन मनाएगा, ये मुद्दा क्यों नहीं है अभिषेक वाजपेयी? देखिए तिलक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं,
बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रभक्ति के लिए किसी को देखिए, नहीं नहीं मैं आपको बता दूं, आपने आप देखिए पिछले काफी दिनों से आदरणीय अखिलेश यादव जी बाकायदा ग्राम प्रहरियों से, एम्बुलेंस सेवा वालों से और अनुदेशकों से और आपका जो प्रोफेसर थे उनसे, काफी सारे लोगों से बाकायदा उन्होंने मुलाकात भी की हुई है और उनसे बातें भी की हुई है। आप विपक्ष में हैं, मुलाकात कर रहे हैं जी? सत्ता में होते तो ये भी लखनऊ में लाठियां खाते थे जैसे आज खा रहे हैं। नहीं नहीं, आप सत्ता में होते तब भी लाठियां खाते थे। तिलक जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में 5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए, वो भी आपको बता दूं सहायक शिक्षा के पद पर, कांस्टेबल के पद पर, दरोगा के पद पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। और आपको आपको याद दिला दूं कि तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए का जो निवेश आया था उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिला। SCL आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ही आया हुआ था। अमूल की जो फैक्ट्री लगी उसमें लोगों को रोजगार मिला। उन सबको तो इंक्लूड ही नहीं किया है क्योंकि वो उनको इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो जो निम्न दर्जे के जो थोड़े से लेबर क्लास के आते हैं उसमें जाकर के बाकायदा काम करते हुए, तो उनको रोजगार मिला है ऐसी बात नहीं है। हमने उनको लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, बेरोजगारी क्यों नहीं है आपको क्या लगता है? आप भी तो मुसलमानों को मना रहे, टिकट ले लो, ये जाट को मना रहे आप मुसलमान को? नहीं, देखिए बाकायदा आदरणीय, मैंने आपको पहले भी अपने वक्तव्य में बताया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी बेरोजगार है उनसे बाकायदा मिले हैं और साथ में उन्होंने एक चीज और बोली है कि 10 मार्च 2022 को जब उनकी सरकार बन जाएगी, 10 मार्च 2022 को जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, साल से सवा साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वैकेंसियां खाली रखी हुई हैं, तकरीबन यूपी ट्रिपल एससी की 15-14 से जवाब दीजिए, फिर मैं लोकेश भाई और प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए। तिलक जी मैं छोटी सी बात खत्म कर लू। जो पेंडिंग पड़ी हुई है उनके लिए भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला हुआ कि उनको फुलफिल कराएंगे, और जो समाजवादी के समय पे जो भर्तियां पेंडिंग रह गई थी उनको भी फुलफिल कराएंगे। कहां पे क्या दिक्कत आ गई, क्या मानकों, जाति के आधार पे बिल्कुल नहीं। आप देखिए इस बार जो भी चीजें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डिसीजन लिया वो स्वेच्छा से डिसीजन लिया, लोगों के हित में डिसीजन लिया कि वो प्रदेश को अग्रसर, वही लोग प्रदेश में आंकड़ा है जी, कितनी भर्तियां खाली हैं? देखिए तकरीबन जो जैसा कि मेरे पास आंकड़ा है, तकरीबन डॉक्टर मैं आंकड़ों के साथ ही बात कर रहा हूं, डॉक्टर टेक्नीशियन और नर्स की मिलाकर के तकरीबन 45,000 पद खाली हैं, और पुलिस विभाग में अगर कांस्टेबल और दरोगा की मिलाकर के कहें तो तकरीबन 90,000 से 92,000 के पद खाली पड़े हुए हैं, और शिक्षकों के पद कहें तो तकरीबन 1 से 1.25 लाख के आसपास के जो शिक्षक ग्रेड के हैं वो पद खाली पड़े हुए हैं। और तो और कैप्टन साहब ये झूठ बोल रहे हैं क्या, इतने पद खाली पड़े हुए हैं? ये इनका काम ही है झूठ बोलना, अभी तक इनने सच बोला कब है? अब ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार दिया, अब इन्होंने कहा मैंने रोजगार दिया, इनके टाइम सिर्फ एक ही समाज को रोजगार मिलता था, वो था यादव समाज। आप टीचर की भर्ती थी होती थी तो यादव समाज जाता था, पुलिस की भर्ती होती थी यादव समाज जाता था, अन्य कहीं वैकेंसी होती थी यादव समाज जाता था। और तो और उत्तर प्रदेश में एक भी थाना ये उस टाइम बताते कि जिसका इंचार्ज यादव ना हो, तो ये इनने सरकार इस तरह की चलाई है, मगर हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे नेता का एक ही काम है, एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम सबको साथ लेके चलने वाले। आज इनकी सरकार टिकट किसको देख रही है, देखिए ना आप किसको, जो जेल में बंद है उनका टिकट दिया जा रहा है, कितना बड़ा। मैं बीच में नहीं बोलता, अबे बीच, मैं बीच में नहीं बोलता, आप जानते हो, आप बोलिए मैं बात बोल लू, मैं शांति से बोलने वाला नहीं। आप देखिए ना, आपने टिकट किसको दिया जो जेल में बंद है, जेल बंद वालों को टिकट दिया है, कितने बड़े गुंडे बदमाश यूपी के है उनको आप टिकट दे रहे, तो आपकी आपकी मंशा तो यही जाहिर हो रही है। विश्वास के दायरे में युवाओं का विश्वास आता कि नहीं आता? लोकेश जी आप बताइए, बेरोजगारी क्यों नहीं बन रही मुद्दा? बेरोजगारी अगर है तो मुद्दा क्यों नहीं है देश के लिए? जी नमस्कार जी, देखिए सबसे पहले जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट सेक्टर एक बहुत छोटा माध्यम है रोजगार प्रोवाइड करने का,
उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे इकोनॉमी, एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर एक छोटा सा रोजगार प्रोवाइड करने का माध्यम है। अगर हम सरकार की नीतियों की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ये साइड बाय साइड चलता है, जनरली जिसको बोला जाए कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तभी जाकर हम कहते हैं कि विकास के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, भाजपा की सरकार की जितनी भी नीतियां हैं इसने एक जॉबलेस ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, बुक्स में दिखता जरूर है कि जो हमारा एनुअली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा। जी लोकेश जी, ये किताबी ज्ञान है ना, उसको किनारे रखिए। नहीं नहीं, मैं किनारे रखिए, मैं बताता हूँ। जी जी, बात सुन, ये जो किताबी ज्ञान है ना, ये अभी कैप्टन साहब ने एक टर्म, जहाँ पर युवा लाठी खाते हैं, जहाँ पर कैप्टन साहब ने एक टर्म यूज किया, आप मुझे एक राज्य बताइए कि हमने, मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहूंगा, कैप्टन साहब से पूछना चाहूंगा विकास का मतलब क्या है। कैप्टन साहब से बाद में पूछिएगा, आप अपना बताइए, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्यों युवा जो है रोड पर आज भी लाठियां खा रहे हैं? झारखंड में कितने बेरोजगार घूम रहे हैं मालूम है आपको? हिसाब किताब झारखंड में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको, एक मिनट, आपको छत्तीसगढ़ में मालूम है, पंजाब में मालूम है, ये बेरोजगारी वहां नहीं दिखाई देती आपको? एक मिनट सर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रॉब्लम अगर किसी स्टेट में है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है पंजाब के अंदर माइग्रेशन होता है उत्तर प्रदेश और बिहार से। आई एम करेक्टिंग द फैक्ट, जो पंजाब के अंदर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज्यादा है कि वहां भी मुख्यमंत्री बदले। सर, सरकारी नौकरी को छोड़ते हैं सर, आप माइग्रेशन का डेटा लेकर आइए, आप माइग्रेशन का डेटा लेकर आइए। सरकार ने 2020 में नीति आयोग के तहत एक स्पेशल एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके तहत, जिसके तहत बताइए ना सर, मैं पूरा आइडिया बता रहा हूँ। नीति आयोग ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी जिसके तहत ये बताया गया था कि जितना भी माइग्रेशन होता है यूपी और बिहार से होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ऑन लैंड बहुत ज्यादा है, हर एक व्यक्ति के पास आज की डेट के अंदर पूर्वांचल का जो एरिया है उसकी आबादी देखिए और उस हिसाब से वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही होता है, आप मुझे ये सिखा रहे हैं, ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश और बिहार से। उसका कारण क्या है? इन दोनों राज्यों को मॉडर्नाइज नहीं किया गया, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, ना किसी तरह की जॉब क्रिएशन हुई है, केवल और केवल इन राज्यों को देखिए भ्रमित किया गया है। पढ़ा रहे हो आप झारखंड की किताबी ज्ञान नहीं है, ये वास्तविकता है सर, ये वास्तविकता है सर। झारखंड के अंदर, झारखंड की सिचुएशन बदल चुकी है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आयरन एंड स्टील कंजम्पशन के अंदर झारखंड सबसे आगे है, और आप मुझे एक भी डेटा बता दीजिए जहां पर ये पता लगे कि झारखंड के अंदर जो है आउट माइग्रेशन हो रही है या झारखंड का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है, जबकि रिसेंट आंकड़ों के हिसाब से झारखंड का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बड़ा है, बेसिक हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटीज झारखंड में बड़ी है और झारखंड का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, आज की डेट में रायपुर आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट है दे हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली। मजदूर आए थे ना, सुनो मेरी बात, बता रहा हूँ जी जी, वो जो किताबी ज्ञान किनारे रखिए, जो चार्टेड नहीं किताब आप छोड़िए, देखिए ज्ञान कहीं से भी हो, किताब से हो, डेटा से हो, उनका हाल भी जान ले पता चल जाएगा। और जो झारखंड में बेरोजगार बेरोजगार रोज लाठियां खा रहे हैं ना, ढूंढिएगा मिल जाएगा बेरोजगारी दर। रुक जाइए एक मिनट प्रदीप गुप्ता जी, देखिए देखिए मैं कहना चाहूंगा, बेरोजगारी बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है देश के लिए, मैं जान सकता हूँ? या बेरोजगारी दिखाई दे रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रही? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है आज के टाइम में, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारी जनसंख्या का है, जिस मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहता। आज देखिए देश में कितने नौजवान सुसाइड करते हैं, इनका कोई आंकड़ा आता नहीं है। गांव के अंदर हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की जो एग्रीकल्चर की विशेषता रही है वो लुप्त होती जा रही है। और हमारे जो, क्योंकि चुनावी मुद्दा यूं नहीं बन पाता कि चुनाव के अंदर हर पार्टी अपनी जात पात को देखती है, या अपने राष्ट्र, जैसे भी कैप्टन साहब बात कर रहे थे राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, भाई राष्ट्रवाद पे आप बार बार चुनाव लड़ोगे ठीक है, बीजेपी या हम हिंदुत्व है, हिंदुत्व की भावना है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं देश के अंदर, जो नौजवानों के लिए, जो आम आदमी को, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं जिससे आम आदमी परेशान है,
आज किस कदर महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं पर किसी का ध्यान नहीं है किसी पार्टी का इस मामले में। ये नहीं कि इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा हमारी चर्चा हो, आपके चैनल ने बहुत बड़ा स्टेप लिया बेरोजगारी का, हर चैनल इस बात को दिखाने भी नहीं चाह रहा क्योंकि इस मुद्दे पर किसी का ध्यान ही नहीं है। भाई आज अगर हमारे देश के नौजवान जिनकी हम क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारा देश डेवलप कैसे कर पाएगा, आज हम कैसे कैसे विकास कर पाएंगे। तो मेरा मतलब मानना है कि बहुत बड़ा मुद्दा है ये और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और अभी जो हमारे भाई साहब कह रहे थे कि बेरोजगारी की जो दर है सबसे ज्यादा आज हरियाणा में है, 34.2% इस समय बेरोजगारी है जो बढ़ती जा रही है। और उसके बाद नंबर आता है हरियाणा की सरकार किसकी, आप मुझे बताइए सर। देखिए सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, मैं देखो राजनीति नहीं, नहीं मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, इसके खिलाफ में आंदोलन करने चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती देश का, सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाती बेरोजगारी? देखिए इसलिए नहीं बन पाता, आप देख रहे हो आज के टाइम में मुद्दा बनाने पहले तो आसान नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, आज आवाज उठाना भी, अब किसानों ने आवाज उठाई, एक साल तक आंदोलन करा, क्या हुआ उसका, एक साल डेढ़ साल के बाद में वो आंदोलन खत्म हुआ, इतना लंबा आंदोलन कभी हुआ इतिहास के अंदर? तो आप ये देखिए आज 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 बात को, आज हम केवल विकास के ऊपर नहीं चल सकते ना, केवल राष्ट्रवाद पे नहीं चल सकते हम किस कदर महंगाई हो रही है। नहीं कैप्टन साहब तो बता रहे थे कि राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं, राष्ट्रवाद से पेट तो नहीं भरता। ये है आप राष्ट्रवादी हैं तो आपका विकास हो गया समझ लीजिए। नहीं देख बात मेरी बात पूरी है भाई, कैप्टन साहब से मैं कहना चाहूंगा कि कैप्टन साहब का जो कहना है, देखो राष्ट्रवाद और विकास के नाम पे वोट मिलने इसमें कोई दो राय नहीं, विकास हो रहा है देश में, लेकिन अगर हम अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। आज चीन को देखो, चीन में बेरोजगारी है ही नहीं, चीन में इतना इस कदर रोजगार दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश भी करी थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे या हम जो है, आपको आवाज नहीं आ रही क्या कैप्टन साहब? मैं कैप्टन साहब से कहना चाहूंगा, ओके लोकेश जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मैं कैप्टन साहब आपके पास आ रहा हूं, आंकड़ों की बात करेंगे। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं जी। तिलक साहब आपने घोषणा पत्र देखा होगा कांग्रेस का इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र देखता हूं, 20 लाख जॉब का उन्होंने दावा किया है। उसके बाद नहीं 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 आप नहीं देखते हो, आप देखिए आप मुझे बात कर रहे थे रोजगार की, हमारा ये बात पे डिबेट स्टार्ट हुआ कि रोजगार मुद्दा क्यों नहीं है राजनीतिक पार्टी का, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी एक सकारात्मक व्यू लेकर आती है, रोजगार को अहम मुद्दा बनाती है, तब आप उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, आप केवल ये बात करते हैं कि राष्ट्रवाद किस तरह से बढ़ाया जाए। अभी आप यू वॉन्ट अप्रिशिएट कि कांग्रेस ने हकीकत में युवाओं के साथ मिलकर उनकी सारी बातें पूछी है, नाविकों से लेकर व्यक्ति से। वो कह रहे हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लो, पढ़ा? देखिए तिलक जी हमारे मित्र घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, उनके कौन से घोषणा पत्र पर यकीन किया जाए, जब राजस्थान से लोग उत्तर प्रदेश में आ करके, अरे हमने घोषणा पत्र तो बनाया है, आपसे तो घोषणा पत्र भी नहीं मिलता, आप किसकी बात करते हो, पेंशन की? अरे सुन कोई बात नहीं, आपका नाराज होना हम समझ सकते हैं, आपका नाराज होना समझ सकते हैं। नहीं नाराज होना नहीं है सर, ये गुस्सा है कि राजस्थान से यहाँ आ करके वो रोजगार मांग रहे हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी है जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लूटा है, ये गुस्सा है, नाराजगी नहीं है साहब। नहीं नहीं आप ये भाजपा और समाजवादी पार्टी ने मिलके जो मजाक उड़ाया जो मजाक उड़ाया पूरी दुनिया देख रही थी कि जब कोविड का टाइम आ रहा था, समझ गए, लोगों ने अपने घर भरे ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर बाहर लोग बिक रहे, बाहर लोग मर रहे थे, अरे जनता क्या समझ गई है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। समझ सकती कि अपने आपकी पार्टियों को मिलने के लिए प्रियंका गांधी जी नहीं गई तो ये कौन से मुंह से, अरे आपकी अभी आपको प्रियंका गांधी जी याद आ रही है, सरकार किसकी है, मतलब आपको शर्म नहीं आती कि जब आपकी सरकार है, आप बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हो कि हमने जो है सैमसंग लेकर आए, हम अमूल लेकर आए, हम उत्तर प्रदेश को ये देंगे, और जब बात आती है रोजगार की तो आपको प्रियंका गांधी याद आती है, और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक मुद्दा लेकर आते हैं रोजगार का, तब आप कहते हो कि हम इनके घोषणा पत्र पे यकीन कैसे करें। अभिषेक वाजपेयी आप ऐसा मत बोलो कि राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं, प्लीज ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, प्लीज आप भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आप ऐसा मत बोलिए कि राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं। ये कांग्रेसी नहीं, ये आपस में ये अवसरवादी रहे हैं, ये
कांग्रेस के पार्टी के अंदर इस तरह के लोगों की जगह नहीं है। ओके, अभिषेक आप जल्दी से बात करिए, कैप्टन साहब का आपको बोलना है, बता है ना कैप्टन साहब का ऑडियो आ रहा है। ओके ओके, अभिषेक वाजपेयी प्लीज जल्दी से, मुझे बोलने की जरूरत है। अभिषेक वाजपेयी, अरे वाजपेयी साहब, दो महीने के अंदर इतना ज्यादा घर चेंज कर लिया, इतना तो कोई क्या कहते हैं डिवोर्स के बाद भी बदलता नहीं है, थोड़ा सा तो अपने अंदर जमीर रखो। अरे अपने आप को देखिए, अरे भाई कमाल हो गई, वाजपेयी साहब मजवाई दे, जलेबियां खाइए आपने, क्या बात है बताइए। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, क्योंकि आपके, अरे बच्चा आपसे तो शर्म की कोई उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि बेशर्मी ही है ये कि आप दो महीने बाद फाइनली समाजवादी पार्टी में जाके और आप सीधा उनकी बीन बजाने लग जाते हो। थोड़ा तो युवाओं के बारे में सोच लो। लोकेश जी प्लीज, अब आपको कांग्रेस दिख रही है, अरे वाजपेयी साहब रहने दो, अभी अभी अब अच्छा और ढींगे हाँक लो, क्या कुछ मिल जाए आपको। कैप्टन साहब, मैं देख रहा था कि केंद्र सरकार के पास 8 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, आप भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे? तिलक जी, हमने अभी तक कोरोना काल होते हुए भी 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, जबकि कोरोना काल की स्थिति आपने देखी है। केंद्र सरकार में 8 लाख भर्तियां खाली हैं, मैं पढ़ देता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको कोड के साथ आपका आंकड़ा जो है मैं वही पढ़ रहा हूं सर, सुन लीजिए। नहीं आंकड़े होंगे आपके, गलत हो सकता है आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके आंकड़े होंगे मैं मानता हूं उनको आंकड़ों को, मगर नहीं ये मेरे आंकड़े नहीं है सर, मैंने घर में नहीं बनाए हैं, जो सरकार ने बताए हैं मैं वही आंकड़ा पढ़ रहा हूं, जो सरकार ने बताए हैं मैं वही आंकड़ा आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये मैंने घर पे नहीं बनाया है आंकड़ा। 1 मार्च 2021 को कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने जवाब दिया कि 8,72,000 पद केंद्र सरकार में खाली है, यह आपकी सरकार ने बताया। बिल्कुल आंकड़े बताए थे, उसके बाद भर्तियां भी हुई होगी, ऐसे तो नहीं कि बन रहा उनके बाद भर्ती नहीं हुई। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि देश के लिए ये मुद्दा क्यों नहीं है कि ये पद क्यों खाली हैं, क्यों नहीं भरे गए और कब भरे जाएंगे सर, क्या ये देश के लिए मुद्दा नहीं है? तिलक जी बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि इन पार्टियों को आके जनता के मुद्दे पे बात करना चाहिए, सर जनता के मुद्दे पर अब ये बात नहीं कर रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना सर, इसका जवाब दीजिए कि ये पद क्यों खाली हैं, अब तक क्यों खाली रहे और क्यों नहीं भरे गए और कब भरे जाएंगे सर, ये सीधा सवाल है। अब मेरी बात तो सुने, अभी तक हमने 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, और आपने देखा होगा कि 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सारे ही रोजगार बंद पड़े थे, रेलवे 1 साल बंद पड़ा था, रेलवे की कोई जो है ना आवाजाही सब बंद हो चुकी थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, सरकारी जितने भी काम डिपार्टमेंट, रेलवे नियुक्ति बोर्ड का हिसाब दूं सर, होम वर्क चल रहे थे, रेलवे का हिसाब दूं आपको, रेलवे का आप ही के मुताबिक 2016-17 में आपने 27,538 नौकरी दी, 2017-18 में 25,507, 2018-19 में 17,680 और 2019-20 का मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं, जबकि चुनावी वर्ष था, आपने 1,28,456 नौकरी दी और फिर उसके बाद जैसे चुनावी वर्ष खत्म हुआ 2020-21 में आपने 5,764 नौकरी दी, मैं गलत आंकड़ा पढ़ रहा हूं? जब चुनावी वर्ष था तब आपने ज्यादा दिए? नहीं नहीं, आपने ये तो देखा है कि 20 में आके कोरोना काल शुरू हो गया, रेलवे बंद पड़ी थी, तो बंद रेलवे में आप क्या वैकेंसियां भरी जाएंगी, क्या वैकेंसियां निकाली जाएंगी, जो कार का जो चीज ही बंद पड़ी है, 1 साल पूरा रेल जो है ना चक्का जाम रहा है, तो आप इस चीज को क्यों नहीं कम से कम इस पे भी निगाह मार लिया करें। मैं इसी पे निगाह मार देता हूं, शुरू हुई है तो दोबारा फिर भर्तियां होंगी, जो पद मैं इसी पर निगाह मार लेता हूं, मैं इसी पर निगाह मार लेता हूं कैप्टन साहब, क्योंकि मौजूदा रेल मंत्री ने बताया कि परीक्षा की एजेंसी तय करने में वक्त लग गया, जिस वजह से 2019 में ये नियुक्ति क्यों निकाली गई ये भी एक सवाल है, जब इतना वक्त लग गया परीक्षा में, समझ रहे हैं सर, जो मौजूदा रेल मंत्री बता रहे हैं कि परीक्षा की एजेंसी तय करने में वक्त लग गया, तो फिर 2019 में आपने नियुक्ति क्यों निकाली थी, इसके पीछे वजह चुनावी था या कुछ और? नहीं, जब कोरोना काल हटा है तो सरकार ने उसके ऊपर विचार किया है,
कि अगर कोरोना काल थोड़ा सा कम हुआ है तो लोगों को रोजगार दिया जाए। जो 2019 में आपने कहा था ना नियुक्तियां हैं, 2019 में नियुक्तियां थी, लेकिन 2019 के बाद जो है वो परीक्षा की एजेंसी तय नहीं हो पाई। उसके आगे मैं बता देता हूं, फरवरी 2021 में राज्यसभा में पीयूष गोयल ने जवाब दिया था कि परीक्षा की एजेंसी नियुक्ति हो चुकी है, तो ये 2 साल की कीमत अब कौन चुकाएगा? पीयूष गोयल तो यही कह रहे थे कि हो चुकी है। नहीं, आप एक चीज को देखें, नियुक्ति हो चुकी है, मगर नियुक्ति में जब तक उसकी पारदर्शिता क्लियर ना हो जाए, जिस तरह से आप देखते हो कि जो भी कंपनियां आती हैं एग्जाम कराने के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जुड़ के जो है ना वो घोटाले में फंस जाती, जैसा भी आपने देखा बिहार में। अच्छा, आपके यहाँ भी घोटाला होता है, तो ये चीजें भी तो देखना पड़ेगी सरकार को, सरकार यहाँ के मुझके तो करा नहीं सकती। अच्छा, रेलवे की परीक्षा में रेलवे की परीक्षा में 1 करोड़ परीक्षार्थी जो हैं, जो आज भी इंतजार कर रहे हैं, 1 करोड़ परीक्षार्थी, वो मुद्दा क्यों नहीं है? यही तो मेरा सवाल था। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ मुद्दा यही होना चाहिए और हम इसी मुद्दे पे चल रहे हैं, मगर इन लोगों से पूछिए कि जो कह रहे हैं कि किसान नाराज है, कोई कहता है मुस्लिम नाराज है, कोई कहता है जाट नाराज है, तो इनको बात तो इस मुद्दे पे करना चाहिए, इस पे ये नहीं करेंगे। तो हम तो अच्छा। कहते हैं कि इसी मुद्दे पे ये बात करें और मैं इनको जवाब दूंगा, मगर ये इससे भाग क्यों कि इनके कार्यकाल में कभी कुछ हुआ ही नहीं। आपने रेलवे का जिक्र किया था, मैं रेलवे का एक और आंकड़ा पढ़ देता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ लोकेश जी, क्योंकि मैं आंकड़ों की बात करता हूँ सर। हमारे यहाँ बहुत सारे वो टकराने लड़ाने भिड़वाने वाले बहुत सारे मेरे साथी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आपस में ही आप लोग जो हैं बेरोजगारी के विषय पर आएं, और मैं चाहता हूं कि एक महीना मेरे देश के जितने भी महान अनुभव पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो अगर 1 महीना बेरोजगारी पर चर्चा कर लेना सर, 1 महीना सिर्फ, सैकड़ों को नौकरी मिल जाएगी, सैकड़ों को रोजगार मिल जाएगा। वो सिर्फ 1 महीना, अगर सिर्फ 1 महीना जी जान लगा के जिस तरह से हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं, 1 महीना अगर वो बेरोजगारी के विषय पर चर्चा कर ले। तिलक जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, आप जैसी पत्रकारिता अगर सब करने लगे तो इस देश का उद्धार हो जाएगा, मगर पत्रकार अपनी सहूलियत के हिसाब से पत्रकारिता करते हैं। सर किसकी सहूलियत के हिसाब से पत्रकारिता हो रही है, छोड़िए ना सर उसको। अब मैं एक और आंकड़ा पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। 2 दिसंबर 2021 को संसद में राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2016 से लेकर 2020, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2016 से लेकर 2020 तक केवल और केवल 204,945 नौकरी दी। ये 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है आपका सर, आपका जवाब। नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल दी होगी। आप तो 8 लाख नौकरी कह रहे थे। नहीं, मंत्री अगर सदन में कह रहा है तो झूठ तो वहां कह नहीं रहा है, सदन में जो कहा है तो इसका मतलब आप मानते हैं ना, 204,945 नौकरी दी आपकी, 5 साल का रिकॉर्ड। आपने कहा था रेलवे का बात कर लो, मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आंकड़े सदन में रह के खड़े होकर दिए है तो वो सही हो गए आंकड़े, उसके बाद भी कार्य चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। नहीं, कहाँ चल रहा है सर, लाठियां खा रहे हैं युवा, तो लाठियां खा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र चल रहा था, गणतंत्र वो मैं दिखा भी रहा हूँ, गणतंत्र। अब तिलक जी एक चीज देखें, आपने ये देखा कि 2 साल रेल बिल्कुल बंद पड़ी है, और रेल जब बंद पड़ी है तो 2019 में आपने 2019 में ये क्यों कहा? क्या हमारे हम अपने खेत में फसल बोने ही नहीं जाएंगे तो काटेंगे कहां से? तो रेल अच्छा, जब तो जवानी के 3 साल परीक्षा के इंतजार में चले गए, बर्बाद हो गए, इसका सिर्फ जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार नहीं, ये कोरोना काल में हुआ है। आप कोरोना काल में आपने 2019 में क्यों कहा फिर नौकरी दे देंगे? हम एक किसान परिवार से आते हैं, हम जब जमीन में अनाज डालते हैं, उसको बोते हैं, तभी फसल काटते हैं। तो सर ये 3 साल बर्बाद हुए, उसके बाद आप ये परीक्षाएं अभिषेक वाजपेयी, ये आंकड़े आपको मिलते नहीं है या फिर आप पढ़ते नहीं है? या मैं गलत पढ़ रहा हूं? मिलते भी है जी, मैं गलत पढ़ रहा हूँ आंकड़े? नहीं, बिल्कुल आप सही आंकड़े पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा बस 19-20 है,
वो कोई बात नहीं है। देखिए क्योंकि होता क्या है तिलक जी, कि जैसा कि अभी इंद्रजीत जी बोल रहे थे, बड़े भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दों पे बात करने से इधर उधर जब मुद्दों की बात होती तो वो बगले झांकने लगते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको याद दिला दूं, ग्राम प्रहरी की तकरीबन 6300 वैकेंसियां फुलफिल नहीं हो पाई, जो कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट जाने के बाद से तब इन्होंने बोला था वो फुलफिल कर देंगे। और आपको बता दूं कि एडिशनल कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं तकरीबन उनकी 7200 भर्तियां जो थी वो इनकी सरकार ने कहा था, अखिलेश जी ने वैकेंसी फुलफिल की थी, जो बची हुई थी उन्होंने कहा था कि वो हम फुलफिल कर देंगे, लेकिन जब सरकार चली गई तो इनकी सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि हम इसको जल्द से जल्द भरेंगे, लेकिन 5 साल गुजर गए, कोरोना छोड़ दीजिए, कोरोना तो अभी आया, उसके पहले से 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाए। शिक्षा मित्र में इसी तरीके से आप देख सकते हैं, और तो और तकरीबन 2004 और 7 की जो भर्तियां थी वो जो पेंडियो अखिलेश जी ने जितनी भर्तियां कराई थी उसके बाद सरकार ने बोला हुआ था कि वो वैकेंसी आप फुलफिल कराएंगे, लेकिन वो फुलफिल 5 सालों में नहीं हो पाई। यूपीएससी की ट्रिपल सी की, ये तो कह रहे हैं 4 लाख से ज्यादा हमने सरकारी नौकरी दी है। अरे सर ये तो आप भी कितनी बार देखिए, तिलक जी कई डिबेटों में हम बैठ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, की सरकार ने कब 4.5 लाख रुपया 4.5 लाख नौकरियां जो दी है वो कहाँ दी है इनको खुद नहीं पता है। आरटीआई के हम... रोजगार दिए इन्होंने, पूछ लो आप, कैप्टन साहब जवाब दीजिए प्लीज। नहीं ये बिल्कुल दिए होंगे, 4.5 लाख दिए हैं, और आप चाहें तो आप ऑनलाइन पे हमारा सब कुछ डेटा पढ़ाए देख सकते हैं, कहीं नहीं है। नहीं, जब आरटीआई के सुन लीजिए, आदरणीय समाजवादी वाली भाषा ना बोले, आदरणीय इंद्रजीत जी आपको याद दिला दूं, आप तो वो लोग हैं जो कोरोना काल में जो लोग गौरवी हो गए थे तो उनके हकों को आपके मंत्री बैठ करके अपने भाइयों को दे रहे थे, हमारे यहाँ आपके यहाँ के मंत्री बैठ करके अपने भाइयों को नौकरी दे रहे थे झूठे सर्टिफिकेट, आपके यहाँ और कौन सी बात कही जाए। अच्छा आप बता दीजिए अच्छा भारत योजना में आपने कितने रोजगार दे दिए? प्रदीप गुप्ता जी, आपने कितने रोजगार दे दिए बताइए, मतलब मैं बता दूं कितने रोजगार दिए? मैं रुकिए ना, रुकिए रुकिए, हमने पूरे 5 साल में 8 लाख से अधिक रोजगार दिए सर विभाग में। मैं कैप्टन साहब को एक मिनट तिलक जी एक मिनट कैप्टन साहब आप मुझे एक बात बताइए, 2017 में आपने वादा कितना किया था, कितने जॉब्स का आपने 2017 के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 70 लाख जॉब देंगे 5 साल में, और अभी आप 8 लाख का भी आंकड़ा नहीं बता पा रहे? 8 लाख से अधिक दिया है जनाब आपकी। अरे सर 2017 का मैनिफेस्टो देखिए, हर दिन आपको 80 जॉब का नुकसान होता है जिसके कारण माइग्रेशन होता है। कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब देखिए, देखिए कैप्टन साहब, प्रदीप गुप्ता जी, जी मैं एक बात, मेरा सवाल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात के लिए राजस्थान के बारे में, अगर आंकड़ों की आप बात करते हो ना, देखिए अगर आंकड़ों की बात करते हो, अभिषेक बात प्लीज एक मिनट, अगर आंकड़ों की बात करते हो तो 2014 में जब सरकार आई थी बीजेपी की है, तब कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे है, लेकिन 2 करोड़ की जगह 20 लाख को भी रोजगार नहीं मिला, 10 लाख को भी रोजगार नहीं मिला, तो रोजगार की समस्या तो देश में है। मैं मानता हूं अगर हमें सरकार से उम्मीद थी कि पॉपुलेशन के लिए कानून लेके आएंगे, जब सरकार की मेजोरिटी भी थी, सरकार ने काफी अच्छे काम करे 5 साल के अंदर, ऐसा नहीं है कि मैं किसी बात की आलोचना करूंगा, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं होगी, देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज चीन से ऊपर हम हो रहे हैं, अगर सही आंकड़े देखे जाएंगे तो चीन से ऊपर निकलते जा रहे हैं हम, हमें इस बात का होश ही नहीं है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, हम कहां से देश को सुधार पाएंगे? तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की जो बढ़ रही है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकना बहुत जरूरी है। हर साल लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं देश के अंदर, हमारा ध्यान वहां क्यों नहीं जा रहा, हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे याद है सुरेश चौहान जी ने 70 दिन की यात्रा करी थी, मैं खुद साथ में था उनके कलकत्ता के अंदर, वो यात्रा चली, उस समय काफी लोगों ने साथ भी दिया, वो बात खत्म हो गई, काफी लोगों ने सवाल उठाए। हर समस्या की जड़ जो है जनसंख्या है, मतलब अगर हम ओके ओके सर उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन लोकेश जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद कैप्टन साहब आपके पास आ रहा हूं। लोकेश बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद कैप्टन साहब आपके पास आ रहा हूं। मेरा ऑर्डर आ रहा है लोकेश जी,
डिस्कनेक्ट हो गया। अभिषेक वाजपेयी जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को चुनाव आया किराना याद आया, मेरे भाई बंधु इतनी जबरदस्त हेडलाइन बनाते हैं चुनाव आया किराना याद आया, वो कहते हैं हम साथ साथ हैं, कोई कहता है जाट मनाओ, अरे भैया मैं कह रहा हूं बेरोजगारों को मनाओ, बेरोजगारी आपके एजेंडे में क्यों नहीं है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारे एजेंडे में है, और बाकायदे मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे मिले हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी फिर से वापस आपको बता दे रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ग्राम प्रहरियों से लेकर के एम्बुलेंस सेवा से लेकर के असिस्टेंट एडिशनल प्रोफेसर से लेकर के बाकायदा साक्षर भारत योजना जो इन्होंने चलाई थी उसमें लोगों को मिल करके जो 69,000 शिक्षक भर्ती रह गए थे जिसमें तकरीबन 40,000 बच्चे बचे हुए थे, उनके अध्यक्ष भी मिल करके सबसे मिल करके बाकायदा जो मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने इस बात को भरी मंच से भरी सभा में कहा हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वैकेंसियां निकाली थी जो अटकी रह गई जो अटका दी उन्होंने 5 सालों में उनको भी फुलफिल करेंगे 10 मार्च को जब सरकार बच जाएगी उसके साल से सवा साल के अंदर, और जो समाजवादी के समय में जो वैकेंसियां फुलफिल नहीं हो पाई थी उनको भी फुलफिल करेंगे, ये हमारे प्रायोरिटी में है, ये कहीं मत कहिए। बाकायदा मैं खुद तकरीबन मुझे लगता है कि 10 से 12 चैनलों पर लगातार 3 से 4 दिन इस मुद्दे पे मैं खुद डिबेट कर चुका हूं, बेरोजगारी मुद्दे पे, इस मुद्दे पे चर्चा होती है क्या, होती है चर्चा? नहीं देखिए मैं 10-12 चैनलों पे मैं खुद डिबेट कर चुका हूं तो मैं इसलिए बता रहा हूं, और तो और एक चैनल जो है स्पेशल कवरेज उसने 3 महीने से लगातार उसने बेरोजगारी के मुद्दे पे उसने अभियान चला रखा, और मैं खुद उसमें तकरीबन मुझे लगता है कि 10 से 12 बार मैं खुद बैठ चुका हूं, तो मैं खुद बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। तिलक जी एक बात कहना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, प्लीज जल्दी फिर मैं कैप्टन साहब आपके पास। नहीं आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है, अगर इसकी चर्चा हुई जो बात आप कह रहे थे ना, वास्तव में देखिए आज जो आप बार बार कहे जा रहे हैं कि चर्चा क्यों नहीं होती, सारी पार्टियों का ध्यान जात पात पर है, राष्ट्रवाद पर है, इसी पे चुनाव हो रहा है और इसी पे चुनाव जीता जा रहा है 2014 का भी 2017 का भी, और सारी पार्टी इसको पकड़ के चल रही है, सिर्फ जात पात की राजनीति हो रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है देश के अंदर, राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है, हमें ऐसे मुद्दों के साथ साथ हमें बेरोजगारी महंगाई और जनसंख्या ये मुद्दे साथ मिलाने चाहिए, आपके चैनल ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इसकी आप चर्चा करिए और इसको और बढ़ाइए मेरे हिसाब से, तो तभी बात निकल के आएगी कि इस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही, इस पर इसका प्रभाव जाना चाहिए। ये पद खाली पड़े हैं कैप्टन साहब, क्योंकि लोकेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कैप्टन साहब फ्रेम से आउट हो गए, कैप्टन साहब डिस्कनेक्ट हो गए, कैप्टन साहब को तुरंत कनेक्ट करिए क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, कुछ आंकड़ों का जिक्र मैं आगे भी करने वाला था, लेकिन सरकार के पास नौकरी है तो फिर नौकरी की तैयारी छात्र क्यों ना करें? अगर मैं ये कह रहा हूं कि 8 लाख से ज्यादा नौकरी केंद्र सरकार में खाली पड़ी और केंद्र सरकार खुद बता रही है, तो फिर ये छात्र जो है नौकरी की तैयारी क्यों ना करें, और करें तो फिर लाठी भी खाएं। और आप लोग राजनीति करते हैं लेकिन रोजगार नीति क्या है किसी के पास नहीं है, है तो लोकेश जी बताइए प्लीज रोजगार नीति। सर मैं आप एक और बार रिपीट करेंगे सर, आपकी आवाज कट रही है बहुत। लोकेश जी रोजगार नीति, रोजगार नीति है आप लोगों के पास जी? रोजगार नीति जी बिल्कुल, आप मैं आपको घोषणा पत्र बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का, जिसमें कांग्रेस सरकार ने 20 लाख जॉब का एक ब्यौरा किया है, उसके साथ साथ 8 लाख जो जॉब है वो महिलाओं को उनके रिजर्वेशन के मुताबिक मिलेगी, 1 लाख पद जो पुलिस के लिए खाली पुलिस के लिए कराए जाएंगे, पुलिस में जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो युवा है जो पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं 1 लाख पद जो है जो खाली पड़े हैं उसे भरवाया जाएगा, उसके बाद में 2000 पद जो है वो संस्कृत और संस्कृत के जो क्षेत्र में जो शिक्षक हैं उच्च लेवल पे उन्हें दिया जाएगा, 4000 भर्तियां उर्दू के लिए की जाएगी, उसके बाद में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो शिक्षक संस्थाएं हैं उसमें जॉब अवेलेबिलिटी दी जाएगी, उसके बाद में कांग्रेस ने बाकी जो नाविक और जो जो निचले स्तर पे लोग हैं जो नदी के आसपास काम करते हैं उनके लिए कांग्रेस ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का एक प्रपोजल रखा है, जिसके बाद में वहां पे उन्हें क्रूज शिपिंग वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर जो स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम ट्रेनिंग कोच और जितने भी क्रिकेट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका प्रपोजल दिया गया है, और अच्छा। ताकि तीर अंदाजी और जितने भी स्पोर्ट्स हैं और
जो अदर ऐसा कोई घोषणा पत्र बनाया इसे डेवलपमेंट करवाने का प्रपोजल दिया है। मैं तो घोषणा पत्र देखता हूँ कांग्रेस के बाद मैंने कई घोषणा पत्र देखे और ये घोषणा पत्र जो है जैसे ही सत्ता में आते हैं चले जाते हैं वो एक कॉपी कट पेस्ट भी होते हैं, कॉपी कट पेस्ट भी होते हैं घोषणा पत्र। मालूम है आपको एक राज्य में ऐसा ही हो गया था, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं नहीं जी, ये जो घोषणा पत्र उन्होंने कॉपी कट पेस्ट कर दिया और गलती से उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी लिख दिया उसी में। तो इसलिए कह रहा हूँ घोषणा पत्र मत खेलो, ये घोषणा पत्र जो है ना ये सब खेलते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। अभिषेक वाजपेयी जल्दी से जवाब दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट सर प्लीज, लोकेश जी प्लीज, अभिषेक वाजपेयी प्लीज जल्दी से, फिर प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तिलक जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना लंबा चौड़ा तो प्लान नहीं किया है जैसा राहुल जी बता रहे हैं, जैसा कि हमारे मित्र बता रहे हैं कांग्रेस के, कि इस तरीके से तो प्लानिंग नहीं की है। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े साफ सुथरे लफ्जों में एक छोटी सी प्लानिंग की हुई है कि उन्होंने उनको जो किसान है उनके सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार देना है, जैसा कि किसान बाजार के माध्यम से या फिर जो खाद होती है यूरिया होती है उन सब के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार देना है, और तो और जो पुलिस विभाग है उसमें किस तरीके से जो जो वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है उसमें किस हिसाब से उसको उनको मानक को देखते हुए कैसे रोजगार देना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में जैसे नर्स हो गई और जो अटेंडेंट नर्स होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको किस हिसाब से नौकरी देना है, उनकी वैकेंसियों को फुलफिल देखना है कि हमारे यहाँ कितनी की जरूरत है, किस हिसाब से हमारा बजट आता है उत्तर प्रदेश में, उसके हिसाब से पैरामीटर्स तय करने पड़ते हैं। हम सिर्फ जबानी बात नहीं बोलते आदरणीय अखिलेश जी, वो करने वाले हैं, तभी उन्होंने पहले भी नारा दिया था काम बोलता है, वो बात अलग है जन जन तक बातों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कैप्टन साहब जुड़ जाए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा पढ़ना है और मैं चाहूंगा कैप्टन साहब, मैं जानता हूँ वो भागने वालों में से नहीं है, आंकड़ों की जुबानी बात करेंगे। कैप्टन साहब अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए, कोशिश कर रहे हैं कैप्टन साहब को कनेक्ट करने की, लेकिन प्रदीप जी जल्दी से अपने बात रखिए। तिलक जी मैं कहना चाहूंगा, देखिए आज जो चर्चा हो रही है उसके अंदर बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी समस्या बढ़ रही है उस पर ध्यान वास्तव में किसी भी पार्टी का नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने घोषणा करी कि हम जो है 20 लाख लोगों को रोजगारी देंगे, समाजवादी पार्टी ने घोषणा करी कि हम 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन घोषणाएं तो करना बहुत आसान है परंतु सरकार वास्तविक धरातल पे ध्यान तब तक नहीं दे पाएगी जब तक हमारी कृषि मजबूत नहीं हो पाएगी, जब तक हमारी इंडस्ट्री मजबूत नहीं हो पाएगी, जब तक हम रोजगार के साधन डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो समय एक जो बड़ी बहुत बड़ी समस्या पड़ रही है, जो लोकल स्तर पे जो हम जिस प्रकार से ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है, छोटे छोटे दुकानदार हमारे रोजगार होते जा रहे हैं, उनका काम नहीं चल रहा, हमें वहां भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें लघु उद्योग, छोटे उद्योग और इंडस्ट्री के लिए एक प्रावधान करना पड़ेगा, उसके लिए एक व्यापक नीति बनानी पड़ेगी जो कोई सरकार नहीं बना पा रही, किसी का भी ध्यान नहीं है। इंडस्ट्री बंद हो रही है हमारी, पहले देखिए समाजवादी पार्टी के टाइम से मैं याद दिला रहा हूं। आदरणीय प्रदीप जी इसमें देखिए मैं माफी चाहता हूँ, बड़े क्षमा चाहता हूँ कि आपने जो बात की ना उसमें एक छोटी सी बात और, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस बात पर चर्चा हुई है, जो पटरी दुकानदार होते हैं तकरीबन उनका जो उनके जो आकलन आता है ना वो तकरीबन 23 से लेकर 27% के बीच में आकलन ओवरऑल उत्तर प्रदेश में आता है, जो उनका आंकड़ा आता है, तो उसमें भी बाकायदा चर्चा की गई है समाजवादी पार्टी में कि उसमें किस हिसाब से हमको पटरी दुकानदारों को भी रोजगार हम उपलब्ध करा सकते हैं, ये भी बहुत अहम अहम सेक्टर होता है। मैं कुछ आंकड़ों का जिक्र करना चाह रहा था, कैप्टन साहब लग रहा है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ आंकड़ों का भी जिक्र करना चाह रहा था और बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कैप्टन साहब कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दावों की इतर हकीकत क्या है उसका आकलन उन आंकड़ों में छिपा था, और बड़े अफसोस के साथ कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, और मैं उन आंकड़ों को अभी रखना चाह रहा था, वो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण थे बेरोजगारी के लिहाज से, लेकिन जिनसे सवाल पूछना है वो सत्ता के नुमाइंदे हैं इसलिए वो इस कार्यक्रम का अभी हिस्सा नहीं है, तो मैं वो आंकड़े रख नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी। तिलक जी कम से कम आप आंकड़े रखेंगे, दूसरों को जो जो व्यूअर्स देख रहे हैं और हम सभी लोगों को उस आंकड़े के बारे में जानकारी हो तो होगी कम से कम। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन 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 ये विषय मैं चाह रहा था कि सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदे के सामने ही इस विषय को उठाया जाए, क्यों आखिरकार इतने पद खाली पड़े हैं वो भी केंद्र सरकार के अधीन, क्यों आखिरकार यही तो विषय है, क्यों आखिरकार
नौकरी का इंतजार हो रहा है, लेकिन जो बेरोजगार नाराज है उसको मनाने की बजाय राजनीतिक दल जात पात की राजनीति कर रहे हैं। क्यों आज रोजगार बेरोजगार लाठिया खा रहे हैं, क्यों? यही तो विषय था। थैंक यू सो मच, मैं माफी चाहूंगा कैप्टन साहब, इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए जिस वजह से मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार जरूर ऐसे ही आंकड़ों से हम करेंगे बात। बात होगी बेरोजगारी की, युवाओं की, उस विषय की जिसको लेकर इस देश में शोर नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।